नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकंड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था। कल मैंने आप लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में कल हमने जो स्टडी किया था कि थर्मोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहा था, दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और उसके बाद ये कहा था कि यदि डेल एच की वैल्यू में जीरो आ जाती है, डेल एच में कोई भी चेंजेस नहीं आते, एंथैल्पी में चेंजेस कोई भी नहीं आते हैं, उन रिएक्शंस को हम थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस कहा जाता है। वो रिएक्शंस जिनमें एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होता है थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद हमने हीट ऑफ रिएक्शंस को दो उस पर निकाला था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की फॉर्म में यदि हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे मैंने कहा था इसको डेल ई की फॉर्म में हम स्टडी करेंगे, मींस इंटरनल एनर्जी में चेंज स्टडी करेंगे, और यदि कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में हम काम कर रहे हैं तो हम डेल एच पे काम करेंगे, एंथैल्पी चेंज स्टडी करेंगे। लेबोरेटरीज़ में हम कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम करते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं ओपन कंटेनर में करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन होता है, उनका वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए हम जो ज़्यादातर रिएक्शंस या जो भी स्टडी करते हैं वो एंथैल्पी की फॉर्म में, हम हीट ऑफ रिएक्शंस को एंथैल्पी की फॉर्म में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने किरचॉफ लॉ स्टडी किया था, किरचॉफ इक्वेशंस, जिसकी वैल्यू थी डेल डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये था डेल सी पी। डेल सी पी का मतलब क्या था, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी, प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी का डिफरेंस क्या था, डेल डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इस इक्वेशंस को हमने क्या कहा था, किरचॉफ इक्वेशंस। इसी को मैंने इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखा था, डेल डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखूंगी, और यहाँ डेल सी वी की फॉर्म में लिखा। ये डेल सी वी भी क्या है, प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कल हमने यही तक की स्टडी की थी, आज मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताती हूँ, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। जो भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं उन रिएक्शंस के उसी की फॉर्म में हम इन एंथैल्पीज को नाम देते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज चेंज। आप लोगों के सिलेबस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है और हीट ऑफ कंबेंसेशन दिया हुआ है। जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं उस रिएक्शंस के आधार पे ही हम इस एंथैल्पी का नाम ले देते हैं। पहली टाइप की रिएक्शन है फॉर्मेशन हीट, फॉर्मेशन हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज को बना रहे हैं। फॉर्मेशन हीट का को मैं डेल एफ एच से डिनोट करूंगी, फॉर्मेशन हीट को मैं डेल एफ एच से डिनोट करूंगी। डेफिनेशन क्या है, जब किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस
को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ही क्या कहलाती है, कि फॉर्म करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वही क्या कहलाती है, फॉर्मेशन हीट। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आया है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे ए प्लस बी आपस में जुड़ के ए बी बनाया, किसी 1 ग्राम सब्सटेंस ए बी को बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो एंथैल्पी चेंज क्या कहलाता है, फॉर्मेशन हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम डेल एफ एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है यदि ये फॉर्मेशन, यदि वही बात है कि ये नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक होगा और पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक सब्सटेंस कहलाएगा। अगला है हीट ऑफ कंबेंसेशन। अगला टॉपिक है हीट ऑफ कंबेंसेशन। जब किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीटली क्या किया जाए, इस 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो तो एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कंबेंसेशन। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का जब हम कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम हीट ऑफ कंबेंसेशन कहते हैं। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो इसका हीट ऑफ कंबेंसेशन कहलाता है। हीट ऑफ कंबेंसेशन को निकालने के लिए हम बम कैलोरीमेट्री को काम में लेते हैं। बम कैलोरीमीटर काम में लेते हैं। इसमें एक बम कैलोरीमीटर बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है ये, इस बम कैलोरीमीटर को किसी वाटर थर्मोस्टेट में रख दिया जाता है। इसमें वाटर फिल है, इसमें एक स्टीरर लगाया हुआ होता है, और एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। इसके अंदर जिस सब्सटेंस का हमें कंबेंसेशन निकालना है, हीट ऑफ कंबेंसेशन फाइंड आउट करनी है, उस सब्सटेंस को रख दिया जाता है और ऑक्सीजन पास करा के इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा इसका कंबेंसेशन कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ऑक्सीडेशन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, जब हमने इस सेटअप को लगाया है वो टेम्परेचर नोट कर लिया, उसके बाद जब कंप्लीट रिएक्शन हो गई उसके बाद वो वाला फाइनल टेम्परेचर नोट कर लिया, वो T2 है। इनिशियल टेम्परेचर T1 था, और फाइनल टेम्परेचर T2 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ क्या हुआ, जिसको मैं डेल्टी से डिनोट करूंगी, डेल्टी की वैल्यू क्या आ गई, T2 माइनस T1। उसके बाद इस बम कैलोरीमीटर का हम हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली हम ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसका हमें क्या पता हो, हीट ऑफ कंबेंसेशन पता हो। इस कैलोरीमीटर का क्या ज्ञात करते हैं हम, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, पहली स्टेप
हमने इसमें सब्सटेंस रखा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तब हमने पहले इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया और फिर फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस बम कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करवाई। हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करवाने के लिए जो है वो बेंजोइक एसिड काम में लिया जाता है। उस बेंजोइक एसिड का हमें हीट ऑफ कंपनसेशन पता होता है। ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसका हमें हीट ऑफ कंपनसेशन पता होता है। उसके बाद इसकी क्या आ जाती है हमारे पास, मान लो सी इसकी हीट कैपेसिटी है। जब हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, इस हीट कैपेसिटी का यूज़ करेंगे और इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करेंगे। और हमें पता है कि जब हमने स्टडी की थी तो हीट कैपेसिटी सी क्या था, क्यू अपॉन डेल टी। यही था कि उसकी किसी भी सब्सटेंस के पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर हीट क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T1 से T2 टेम्परेचर डिफरेंस ये रहा। इसके द्वारा जो हीट है वो हमें नहीं पता, हमें ये हीट निकालनी है, लेकिन हमें इसकी क्या पता है, हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने वो कहाँ से निकाल ली, बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हुए निकाल ली। तो हीट कैपेसिटी थर्ड फोर्थ स्टेप में हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्यू क्या हुआ आपका, यहाँ से सी इंटू डेल्टी। अब यहाँ पे हमने जो सब्सटेंस लिया था वो डब्लू ग्राम था, इसमें जो सब्सटेंस लिया वो डब्लू ग्राम था, लेकिन डेफिनेशन क्या है, वन मोल सब्सटेंस को जलाने से जो हीट रिलीज हो रही है वही उसकी क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंपनसेशन, किसी भी वन मोल सब्सटेंस को जलाने के लिए। लेकिन हमने तो कितना ग्राम लिया है, डब्लू ग्राम सब्सटेंस लिया है। यदि उसका एम मोलिकुलर वेट है, एम क्या है उसका, मोलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इतने नंबर ऑफ मोल्स में हीट कितनी रिलीज हो रही है, ये हीट रिलीज हो रही है। वन मोल में हीट कितनी रिलीज होगी, फॉर वन मोल सब्सटेंस, जिसको मैं डेल सी एच से डिनोट करूंगी। इस हीट को मैं किससे डिनोट करूंगी, डेल सी एच से। क्या आएगा वो, क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डब्लू अपॉन एम। मैं इसको आगे सोल्व कर रही हूँ, डेल सी एच क्या हो गया, क्योंकि वैल्यू तो क्या है, सी इंटू डेल टी अपॉन डब्लू और ऊपर क्या चला गया, एम। ये क्या है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, हीट ऑफ कंपनसेशन का। दोबारा सुन लो, हीट ऑफ कंपनसेशन किसी निकालने के लिए हम बम कैलोरीमीटर का काम में लेते हैं। बम कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक स्टील का बना हुआ होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क लगा हुआ होता है। इसका जो कंपनसेशन होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन पास कराई जाती है तो वो प्लेटिनम की जो प्लेट होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो प्लेटिनम की प्लेट हीट होती है और उसके बाद ये सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ये सब्सटेंस कंप्लीट, पहले जब ये सब्सटेंस जला नहीं था, मतलब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराई, उस टाइम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वो टेम्परेचर T1 था। और जब ये सब्सटेंस कम्प्लीटली जलना शुरू हो जाता है और कम्प्लीट कंपनसेशन हो जाता है, उस टाइम टेम्परेचर नोट करते हैं, वो था T2। अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस तो पता चल गया कि भाई इसके जलने पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी पता चल जाए तो हम इसके द्वारा जो यूज़ की गई है हीट वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी हीट कैपेसिटी पता करने के लिए हम किसी ऐसे सब्सटेंस को काम में लेते हैं जिसकी हमें कंपनसेशन पहले से, हीट ऑफ कंपनसेशन पहले से ही पता होती है। उस सब्सटेंस का नाम नॉर्मली जो काम में लिया जाता है वो बेंजोइक एसिड काम में लिया जाता है। उसके बाद इसकी, मान लो उस टाइम इसकी हीट कैपेसिटी हमारे पास जो आई है वो सी है, ये सी हीट कैपेसिटी है। तो हम
डेफिनेशन से हमें पता है कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है क्यू अपॉन डेल टी। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसमें जो अब्जॉर्ब एमिट जो हीट हो रही है क्यू, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू क्या है? सी इंटू डेल टी। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सी इंटू डेल टी। अब इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो हम इसमें W ग्राम सब्सटेंस लिया है, तो ये हीट तो किसके कारण है? उस W ग्राम सब्सटेंस के कारण ही है। तो इस W ग्राम सब्सटेंस का सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता करने की फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतने नंबर ऑफ मोल्स से कितनी हीट रिलीज हो रही है? क्यू हीट रिलीज हो रही है। तो वन नंबर ऑफ मोल्स से कितनी हीट रिलीज होगी? क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या थी? डब्लू अपॉन एम। और यही क्या कहलाती है? हीट ऑफ कंपनसेशन। और फॉर्मूला क्या बन गया आपका हीट ऑफ कंपनसेशन का? सी इंटू डेल्टा टी इंटू में एम अपॉन डब्लू। एम क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। डब्लू क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। सी हीट कैपेसिटी। डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस। अब आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे लेबोरेटरीज में। थर्ड है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान जो हीट में चेंज हो रहा, जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगी। सबसे पहले आप ये समझ लो न्यूट्रलाइजेशन क्या है। उदासीनीकरण क्या है? कि जब किसी एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शंस जो है वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाएगी। इस उदासीनीकरण रिएक्शन में एंथैल्पी में चेंज ही क्या कहलाता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। जब 1N 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, क्या ले रहे हैं हम? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कौन? एसिड प्लस में बेस। बेस भी कैसा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला ही। आपस में रिएक्शन करें और क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसकी जो हीट चेंज है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले एसिड की 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज ही क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डेल एन एच से डिनोट करते हैं। डेल एन एच से डिनोट किया जाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस की जो वैल्यू होती है वो होती है -13.6 किलो कैलोरी। -13.6 किलो कैलोरी। ये एसिड और बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। HCl प्लस NaOH, इनके लिए भी
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.6 किलो कैलोरी है, HCl प्लस HNO3 प्लस NaCl इसके लिए भी वही है। मीन्स चाहे आपका एसिड चेंज हो चाहे बेस हो, लेकिन दोनों यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी और उसकी वैल्यू 13.6 किलो कैलोरी होगी। जैसे जैसे एसिड और बेस वीक होते जाएंगे, एसिड और बेस वीक होते जाएंगे उस टाइम वैसे वैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान रहेगा कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक होते जाएंगे वैसे वैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HCl और NaOH की, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। अब ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूटा हुआ है, और ये भी स्ट्रॉन्ग, सॉरी NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये भी क्या है, कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूटा हुआ है। Na प्लस और OH माइनस, ये बेस देख लेना NaOH है, उस टाइम गलती से NaCl लिखा हुआ था। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है इसलिए कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूटा हुआ है, तो रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, H प्लस और OH माइनस आयन के साथ में। भाई वाटर जो बन रहा है, क्योंकि सब में क्या सेम होगा, H प्लस और OH माइनस आयन सेम होंगे। यदि वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे और हर एक में एक ही H आएगा और एक ही OH आएगा बेस के साथ में। तो जब कम्प्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूटे हुए हैं तो चाहे कोई भी एसिड हो, हर एक एसिड के साथ H प्लस, नंबर ऑफ आयंस 1 ग्राम इक्वेलेंट वेट में उतने ही आएंगे, और वैसे ही NaOH में, सॉरी बेस में उतने ही OH आएंगे जितने वो चाहे कोई भी बेस ले लिया आपने, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यदि वीक बेस हुआ तो ये इसका हाइड्रोलाइसिस कम होगा, सॉरी आयनाइजेशन कम होगा, जब आयनाइजेशन कम होगा तो OH माइनस आयन कम हो जाएंगे, कम होंगे तो रिएक्शन जो है वो H प्लस और OH माइनस आयन के बीच में कम होगी और हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे एसिड और बेस वीक होते जाते हैं ये वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। अब हम एक बार फिर से सुन लो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब किसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉन्स्टेंट होती है और उसकी वैल्यू -13.6 किलो कैलोरी होती है। जैसे जैसे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कम होती जाती है वैसे वैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे और ओवरऑल जो रिएक्शन है वो H प्लस और OH माइनस आयन के बीच में हो रही है। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो H प्लस और OH माइनस आयन के बीच में हो रही है। इसलिए कोई भी एसिड ले लो चाहे कोई भी बेस ले लो, यदि वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एसिड और बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये केवल उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इसके डिटरमिनेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे पढ़ते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप, आपकी फर्स्ट स्टेप में वाटर इक्विवेलेंट निकालेंगे। वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक थर्मस फ्लास्क लेते हैं। उस थर्मस फ्लास्क में हम 100 ml कोल्ड वाटर लेते हैं। एक थर्मस फ्लास्क लिया, उस थर्मस फ्लास्क में हमने 100 ml कोल्ड वाटर लिया और उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया, वो था T1। उसके बाद 100 ml हॉट वाटर लिया, ये वाटर लगभग 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं। ठंडे पानी में, पानी तो ठंडा ही होता है, उस पानी को 60-70 टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और इस हॉट वाटर का भी टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं T2 है। एक कोल्ड वाटर लिया 100 ml जिसका टेम्परेचर T1 था, एक हॉट वाटर लिया जिसका टेम्परेचर T2 था। उसके बाद इन दोनों वाटर को मिक्स कर दिया, मिक्स कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर, और वो टेम्परेचर उसके बाद वो टेम्परेचर था आपका T3। पहले 100 ml कोल्ड वाटर लिया, उसका टेम्परेचर T1 था, फिर 100 ml हॉट वाटर लिया, उसका टेम्परेचर T2 था, फिर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। या आप 100 ml से भी नहीं करो इसको, तो m1 gram ml कोल्ड वाटर लिया और m2 gram ml हॉट वाटर लिया। m1 ml कोल्ड वाटर का टेम्परेचर T1 था, m2 ml हॉट वाटर का टेम्परेचर T2 था, इन दोनों का मिक्स किया है तब टेम्परेचर T3 था। अब इस वाटर के द्वारा जो है m1 कोल्ड वाटर है, तो ये तो क्या कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। और ये ठंडा, ये हॉट वाटर है, ये क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो और इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि हमने कैसा लिया है, थर्मस फ्लास्क, तो कैसी कंडीशन बन गई, एडियाबेटिक, तो बाहर से तो कोई एनर्जी आई नहीं, तो इसने जो हीट रिली अब्सॉर्ब की है वो किससे की है, इस हॉट वाटर से। वही क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट। मान लो इस थर्मस फ्लास्क का वाटर इक्विवेलेंट W है, क्या है, W है, तो क्या होगा, थर्मस फ्लास्क के द्वारा अब्सॉर्ब हीट, हीट अब्सॉर्ब बाय फ्लास्क एंड कोल्ड वाटर, यही हुआ, हीट अब्सॉर्ब बाय फ्लास्क एंड कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के द्वारा क्या होगा, m1 कितना टेम्परेचर डिफरेंस था भाई, T3 हुआ, T3 माइनस T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस है भाई। हायर टेम्परेचर कौन सा होगा, T3, इसलिए मैंने T3 काम में लिया है। T3 माइनस T1 प्लस W क्या होगा, ये भी T3 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 1। थर्मस फ्लास्क और कोल्ड वाटर के द्वारा अब्सॉर्ब हीट की वैल्यू क्या होगी, m1 ml वाटर लिया था और उस वाटर के टेम्परेचर में क्या चेंज आया था, मिक्स वाले का T3 मीन्स हायर टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया था, T3 तक, और लोअर टेम्परेचर क्या था, T1। W यहाँ भी टेम्परेचर क्या था, T3 और T1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हीट रिलीज्ड, ये हीट कहाँ से रिलीज्ड हो रही थी, बाय हॉट वाटर, कितनी होगी, m2, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T3, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T3।
अब देखो यहाँ पे मैंने फाइनल वैल्यू क्यों नहीं लिखी पहले, देखो T2 की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, T3 के कंपैरिजन में, इसलिए हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ हम हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। कभी आप इसको T3 - T2 लिखो, हमेशा चाहे टेम्परेचर डिफरेंस कैसा भी हो हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। इसलिए वैल्यू क्या आ गई, T2 - T3। इतनी हीट रिलीज की गई और इतनी हीट अब्जॉर्ब की गई, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को तो अब्जॉर्ब करेंगे। तो M2 T2 - T3 ये वैल्यू क्या है, M1 T3 - T1 प्लस W T3 - T1। ठीक है, इस इक्वेशंस को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, W क्या था हमारा, थर्मस फ्लास्क और जो थर्मामीटर लगाया है और आपने उसमें स्टीरर लगाया है उस उन सब के कारण वाटर इक्विवेलेंट है, जो हीट में चेंज आएगा उन सब के कारण वो है। तो W की वैल्यू निकालनी है हमें कि कितना हीट चेंज आया उनके कारण, तो W की वाली लाइन को टर्म को एक साथ रख लो भाई, ये वाली टर्म एक साइड रख दी, ये यहाँ प्लस का था इस साइड जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हुआ, इक्वल टू M2 T2 - T3 - M1 T3 - T1। किसकी वैल्यू निकालनी है, W की, W इक्वल टू ये वैल्यू कहाँ ले जाऊँ मैं, इन सब के नीचे क्या बनेगा, M2 T2 - T3 - M1 T3 - T1 और इन सब के अपॉन में क्या है, T3 - T1। तो W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, W इक्वल टू एक बार इसके नीचे करूँगी फिर माइनस साइन लगाऊंगी और ये वैल्यू इसके नीचे लिखूँगी, तो क्या आएगा, M2 T2 - T3 / T3 - T1 - M1 T3 - T1 / T3 - T1। इससे कैंसिल आउट, W की वैल्यू क्या बनी, M2 T2 - T3 / T3 - T1। ये हमारा केवल फर्स्ट स्टेप था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस को डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहली स्टेप हम उस थर्मस फ्लास्क का क्या निकालते हैं, वाटर इक्विवेलेंट निकाला जाता है। इस वाटर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 100 ml यहाँ पे हमने M1 से दिखाया, M1 ml वाटर लिया ठंडा और उस वाटर का हमने टेम्परेचर नोट कर लिया वो T1 था। उसके बाद हमने उस और ml वाटर M2 वाटर लिया और उस वाटर को हमने 60-70 degree centigrade टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उस का टेम्परेचर नोट कर लिया वो था T2, यही था। उसके बाद इन दोनों पानी को, ठंडे और गर्म पानी को, दोनों को मिक्स किया उस थर्मस फ्लास्क में अच्छे से और उसको स्टेयर किया और उसको कवर करके रख दिया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया वो टेम्परेचर था T3, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मान लो उस थर्मस फ्लास्क का वाटर इक्विवेलेंट W है, तो उस थर्मस फ्लास्क के द्वारा जो अब्जॉर्ब हीट है वो और उस ठंडे पानी के द्वारा जो अब्जॉर्ब हीट है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। सेकंड पे हमने कि जो हॉट वाटर था वो क्या किया, हीट रिलीज की, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली, जो हीट रिलीज वैल्यू थी वो ये थी।
ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हीट को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही हीट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो हॉट वाटर ने जो हीट रिलीज़ की थी वो किसके द्वारा अब्जॉर्व की गई है? थर्मस फ्लास्क और ठंडे वाटर के द्वारा। मीन्स जो रिलीज्ड हीट है वो किसके द्वारा, किसके इक्वल होगी? अब्जॉर्ब हीट के। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, M2T2-T3। ये किसके द्वारा थी? ये हीट रिलीज्ड थी हॉट वाटर के द्वारा। ये किसके इक्वल हुई? M1T3-T1। ये तो क्या है, कोल्ड वाटर के द्वारा अब्जॉर्ब हीट प्लस में थर्मस फ्लास्क के द्वारा अब्जॉर्ब हीट, वो क्या थी? W T3-T1। इन को सॉल्व किया और हमने W की वैल्यू निकाल ली, M2T2-T3/T3-T1-M1। ये W की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब जब वाटर इक्विवेलेंट निकाल लिया, उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड पे। हंड्रेड ml एसिड लेंगे 1N का और 100 ml ही बेस लिया जाएगा। पहले उनका इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया, 100 ml एसिड लिया है और 100 ml बेस लिया है। एसिड HCl या एसिड ही लिख लो, लेकिन वो किसका है? 1N का, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले एसिड की रिएक्शन 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम जो हीट रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यदि आपने यहाँ 1N नहीं लगाया तो केवल N लिखोगे तो जो हम हीट निकालेंगे Q, उस हीट को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? नॉर्मलिटी से डिवाइड कर दूंगी, तो वो मेरी क्या आ जाएगी? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो 1N से देख, N से देख लो, 100 ml N एसिड लेते हैं और 100 ml N बेस लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो 100 ml स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और 100 ml ही स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। इस टाइम इसका टेम्परेचर T4 है और इसका भी लगभग T4 होता है। यदि T4 नहीं होता है तो इन दोनों के टेम्परेचर का मीन निकाला जाता है। जो लेबोरेटरीज में करोगे वो सेम ही टेम्परेचर होता है, एसिड का भी और बेस का भी। यदि टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो T4 निकालने के लिए आप क्या करोगे? मान लो इसका टेम्परेचर आया TA और इसका टेम्परेचर आया TB, तो इन दोनों टेम्परेचर्स को जोड़ोगे TA+TB और डिवाइड बाय 2, वो आपका क्या बन जाएगा? T4। इनिशियल टेम्परेचर है, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। किसमें? थर्मस फ्लास्क में। थर्मस फ्लास्क में मिक्स करने के बाद जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो टेम्परेचर हमने नोट किया और वो टेम्परेचर था T5 टेम्परेचर। 100 ml 1N एसिड लिया, 100 ml N बेस लिया, दोनों का हमने सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट किया। वो टेम्परेचर मान लो दोनों का सेम था तब तो सेम ही ले लिया, यदि सेम नहीं है तो उनका मीन निकाल लिया हमने और उसको हमने T4 बोला। उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर नोट किया, वो था T5। अब इस पूरी प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू आती है Q। Q होती है वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस में बेस। देखो वॉल्यूम ऑफ एसिड 100 ml, वॉल्यूम ऑफ बेस 100 ml। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल बुक में 50 ml भी मिले और हो सकता है आप कोई और दूसरी बुक पढ़ो जिसमें
200 ml भी ले। तो यहाँ पे यदि 200 ml लिया है तो हम 200 प्लस 200 400 यूज़ करेंगे। हमने 100 ml काम में लिया है तो मेरा 200 बनेगा, और यदि 50 ml काम में लिया है तो वहाँ पे 50 आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ बेस आएगा इनटू में T5 माइनस T4 प्लस W भी क्या है, T5 माइनस T4। ये क्यों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्यों क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस बेस इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस प्लस में वाटर इक्विवेलेंट इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस। यही है वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस, कितना कितना लिया है मैंने, 100 ml, तो कितना हो गया ये 200 ml। भाई 100 ml एसिड प्लस 100 ml बेस, 200 ml इनटू में T5 माइनस T4 प्लस W T5 माइनस T4 क्या होगा, क्यों मैं इसको T5 माइनस T4 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 200 प्लस W, ये वैल्यू क्या बनी, T5 माइनस T4। ये आई है n, जो n नॉर्मलिटी का एसिड और बेस है उसकी क्यू आई है। हमें डेल न्यूट्रलाइज एच निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एन। तो डेल एच न्यूट्रलाइजेशन एच की वैल्यू क्या बनी, क्योंकि वैल्यू क्या है, 200 प्लस डब्लू T5 माइनस T4 अपॉन एन। यदि 1N का है तब तो ये हट जाएगा, और यदि 5N का हुआ तो यहाँ 5 आएगा, यदि 6N का बनाया आपने 6N आएगा, यदि N/10 का बनाया है तो यहाँ पे N/10 आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम दो स्टेप में डिटरमाइन करेंगे इसको। पहले स्टेप में वाटर इक्विवेलेंट निकाला जाएगा और दूसरे स्टेप में हम इसको एसिड के साथ काम करके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाला जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट निकालना बता दिया था, क्या करते हैं, 100 ml एसिड लिया और 100 ml ही बेस लिया, इन दोनों का हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, लगभग इक्वल होता है, इक्वल नहीं हो तो उनका मीन निकाल लिया जाता है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद टेम्परेचर नोट करेंगे, वो है T5। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस प्लस में वाटर इक्विवेलेंट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। इनका यूज़ करते हुए क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और ये जो क्यू आएगा ये जितने भी एन का दिया हुआ है उस एसिड का आएगा। हमारी डेफिनेशन है कि 1N का एसिड जब 1N के बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो हीट रिलीज हो रही, जो हीट चेंज आ रहा है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसलिए इस क्यू को मैं किससे डिवाइड करूँगी, एन से, नॉर्मलिटी से, तो मेरी क्या आ जाएगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हीट स्टडी किया था, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टडी किया, उसके बाद हीट ऑफ कंपनसेशन स्टडी किया, उसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है। आपकी जो सिलेबस में है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही है। हीट ऑफ कंपनसेशन के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं लेकिन उसको कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए आपको उसको भी पढ़ना है। अब कल की क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ आने वाले लॉज पढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्लास होगी आप लोगों की। थैंक यू।